नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससी ईस्ट बंगाल एफसी से जुड़े लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज के बारे में। तो दोस्तों, सुना जा रहा है कि एससी ईस्ट बंगाल एफसी ट्रांसफर विंडो में बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाली है और वो बहुत सारे साइनिंग्स करवाने वाली है। तो दोस्तों, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले दो सुपर स्मार्ट यूनिवर्सल रिमोट के बारे में, एक है कोमांग का और एक है दोस्तों ज़िबोनिस का। दोनों का स्टाइल, फीचर्स, क्वालिटी बिल्कुल सेम है और आप इसे यूज कर पाओगे जिससे वाईफाई जुड़ा हो, जैसे कि दोस्तों एसी, टीवी, स्पीकर और अमेजोन एलेक्सा और बहुत सारी चीज़ें आप यूज कर पाओगे जहां पर वाईफाई इससे जुड़ी हो। तो दोस्तों, कोमांग और ज़िबोनिस का ये रिमोट बहुत ज़्यादा सुपर स्मार्ट है और आप इसे अगर बाय करना चाहते हो तो आप इसे ऑनलाइन में बाय कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रिमोट है, बहुत ज़्यादा सुपर स्मार्ट है। तो दोस्तों, आप ये रिमोट को बाय करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो तो आप ऑनलाइन ये खरीद सकते हो। बहुत ज़्यादा सुपर स्मार्ट रिमोट है, वाईफाई से ये रिमोट चलता है। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो सुना जा रहा है कि एससी ईस्ट बंगाल एफसी का पूरा फॉरेन स्क्वाड जो है वो चेंज होने वाला है ट्रांसफर विंडो में, क्योंकि दोस्तों एससी ईस्ट बंगाल एफसी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर रहा और अभी तक एक भी मैच जीत नहीं पाई है एससी ईस्ट बंगाल की टीम इस सीजन में। तो पिछला सीजन तो इससे अच्छा ही हुआ था दोस्तों शुरुआत, लेकिन इस सीजन तो बहुत ही ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस रहा है अब तक एससी ईस्ट बंगाल एफसी का। तो इसीलिए एससी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि फॉरेन स्क्वाड को चेंज कर दे सिवाय पेरोसोविच के। पेरोसोविच ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है और मुझे लगता है पेरोसोविच कंटिन्यू करेंगे एससी ईस्ट बंगाल एफसी के लिए ट्रांसफर विंडो के बाद भी। तो सुना जा रहा है कि ट्रांसफर विंडो में ही एससी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट अपने सारे फॉरेन प्लेयर को चेंज करेंगे सिवाय पेरोसोविच के, और दोस्तों उनके रिप्लेसमेंट में एससी ईस्ट बंगाल एफसी ने फॉरेन प्लेयर को खोजना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आहिस्ते आहिस्ते जैसे ट्रांसफर विंडो नज़दीक आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि एससी ईस्ट बंगाल एफसी क्या कर रही है, कौन से प्लेयर को साइन करवा रही है, और जैसे ही दोस्तों कुछ अपडेट आता है मैं आप सभी से ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों, अभी जो अपडेट आया है एससी ईस्ट बंगाल एफसी के तरफ से कि दोस्तों एससी ईस्ट बंगाल एफसी न्यू सेंटर बैक को साइन करवाने वाली है, वो है दोस्तों सर्बियन 31 वर्षीय इगोर जेलिक। तो दोस्तों, इगोर जेलिक के साथ एससी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट सुना जा रहा है कि बातचीत चला रही है और ये भी सुना जा रहा है कि बातचीत काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो दोस्तों, इगोर जेलिक के बारे में बात किया जाए तो ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, इनका उम्र है दोस्तों 31 साल और इनका मेन पोजीशन है सेंटर बैक, और दोस्तों ये सेंटर बैक के अलावा भी सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में भी खेल लेते हैं। और दोस्तों, सुना जा रहा है कि एससी ईस्ट बंगाल एफसी ट्रांसफर विंडो में ही इगोर जेलिक को अपनी टीम में साइन करवाने वाली है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा साइनिंग होगा मेरे ख्याल से एससी ईस्ट बंगाल एफसी के लिए, क्योंकि एससी ईस्ट बंगाल एफसी का अभी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नीचे गया है और अभी तक एक भी मैच जीत नहीं पाई है, और इनका मेन कारण भी है दोस्तों उनका सेंटर बैक में जो अभी प्लेयर मौजूद है टॉमिस्लो मार्चेलो और फिरेंज़ो पर्स, उन्होंने उतना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसके वजह से दोस्तों मजबूरन एससी ईस्ट बंगाल एफसी के मैनेजमेंट जो है बैक के इस पोजीशन के खिलाड़ी में चेंज लाने वाले हैं, और वो है दोस्तों इगोर जेलिक। और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग र्यूमर है कि इगोर जेलिक ट्रांसफर विंडो में एससी ईस्ट बंगाल एफसी को साइन करे, तो बहुत ही बड़ा साइनिंग होगा एससी ईस्ट बंगाल एफसी के लिए। तो दोस्तों, इगोर जेलिक काफी ज्यादा करीब है कि वो एससी ईस्ट बंगाल एफसी को साइन करे और ट्रांसफर विंडो में ही साइन करेंगे। तो दोस्तों, इगोर जेलिक को लेकर कुछ अपडेट आएगा, ऑफिशियली कंफर्म न्यूज आएगा तो मैं आप सभी को जरूर बता दूंगा। तो चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट है एससी ईस्ट बंगाल एफसी के कोच को लेकर। तो मैनोलो डियास को सुना जा रहा है कि एससी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट रिलीज करने वाली है, क्योंकि दोस्तों एससी ईस्ट बंगाल एफसी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर रहा है जैसे कि मैंने पहले बताया। तो दोस्तों, कोच मैनोलो डियास को रिलीज करने वाली है एससी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट, और मैनोलो डियास का जो टैक्टिस है और चेंजेस है मुझे समझ नहीं आया अभी तक। एससी ईस्ट बंगाल एफसी के पास काफ़ी सारे प्लेयर हैं, लेकिन दोस्तों मैनोलो डियाज ने किसी को यूज़ नहीं किया, जैसे कि मैं बात करूं जैकी चंद सिंह की, विकास जायरू की, और दोस्तों सुबो घोष भी है, रोमियो फर्नांडेस है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको मैनोलो डियाज ने यूज़ नहीं किया। और दोस्तों, रोमियो फर्नांडेस को तो रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया गया एससी ईस्ट बंगाल एफसी के इस स्क्वाड में, तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुआ ये न्यूज़ सुनकर, क्योंकि दोस्तों रोमियो फर्नांडेस बहुत ज़्यादा अटैकिंग माइंडेड खिलाड़ी है जैसे कि हम जानते हैं। और दोस्तों, जैकी चंद सिंह को अगर सही से यूज़ किया जाता तो मुझे लगता है जैकी चंद सिंह बहुत ज़्यादा
खतरनाक है विंग में, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है जैकी चंद सिंह। और विकास जायरू भी दोस्तों इनके पास मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे डेंजरस क्रॉस डाकते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर है, सुबो घोष भी है, जिनको यूज़ करना चाहिए था मैनुएल डियास को, लेकिन दोस्तों इन्होंने नहीं किया। मुझे समझ नहीं आया कि मैनुएल डियास क्या कर रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों अभी हम देख सकते हैं एससी ईस्ट बंगाल एफसी अभी आईएसएल के पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पायदान पर है। और ये होना ही था, क्योंकि दोस्तों मैनुएल डियास का जो प्लेयर सिलेक्शन है मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। शायद इसी वजह से एससी ईस्ट बंगाल एफसी का प्रदर्शन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा और वो आईएसएल पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे में है। लेकिन दोस्तों मैनुएल डियास बहुत ही ज़्यादा अच्छे कोच है, बहुत ही ज़्यादा बड़े कोच है, लेकिन दोस्तों इनका परफॉर्मेंस इंडिया में अच्छा नहीं रहा। इसीलिए दोस्तों एससी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो ट्रांसफर विंडो में कोच को भी चेंज करेंगे। और सुना जा रहा है कि एल्को शिटोरी बहुत ज़्यादा चांस है कि एससी ईस्ट बंगाल एफसी के न्यू हेड कोच बने। और दोस्तों एल्को शिटोरी ने आई लीग 2015 में एससी ईस्ट बंगाल एफसी को कोचिंग करवाया है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को भी कोचिंग करवाया है। और दोस्तों केरला ब्लास्टर एफसी के भी हेड कोच ये रह चुके हैं, तो इनको एक्सपीरियंस है इंडिया में कोचिंग करवाने का और वो इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा करीब से जानते हैं। तो एल्को शिटोरी बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं एससी ईस्ट बंगाल एफसी के लिए, जैसा अभी मैनुएल डियास के अंडर में प्रदर्शन रह रहा है उससे ज़्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से एल्को शिटोरी अगर साइन करते हैं तो। तो दोस्तों एल्को शिटोरी को लेकर कुछ ऑफिशियली कंफर्म न्यूज़ आएगा तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।